अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय AA। मैं हूं अमरीन आमिर, और जैसे कि आपको पता ही है कि ये चैनल जो है इसमें स्पेसिफिकली असिस्टेंस या गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है प्रिपरेशन के लिए LLB एग्जाम्स, जुडिशरी, CSS, ABPP, NAF और जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें लॉ एज सब्जेक्ट मौजूद है, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए जो है वो गाइडलाइन दी जाती है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सीरीज चल रही है द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की। ये लॉ जो है ये बच्चों की कस्टडी और उनकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर से डील करता है। तो इस सीरीज का आज ये फोर्थ लेक्चर है। जो इसके बाकी तीन लेक्चर्स हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं सुना तो उनको भी जरूर सुनिए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है वो आप गेन कर सकें। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ड्यूटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गार्जियन के बारे में। तो हम बेसिकली तीन चीजें देखेंगे, किसी भी गार्जियन की ड्यूटीज क्या है, किसी भी गार्डियन के राइट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज क्या हैं, और इन तीनों का डिफरेंस भी देखेंगे। चैप्टर 3 है जो जिसमें ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो बगैर टाइम जाया किए चलते हैं अपने जो है वो मेन टॉपिक की तरफ। ये जो आपको 20 नजर आ रहा है, ये बेसिकली फिड्यूशरी रिलेशनशिप का रेलेवेंट सेक्शन है। तो जो सेक्शंस हैं वो ही साथ मेंशन हैं, और इसकी जो है वो मैंने वो नहीं की है, एडिटिंग नहीं की है। तो सबसे पहले जो है वो ड्यूटी हम देख लेते हैं। स्टेटस बताया जा रहा है कि गार्डियन का स्टेटस क्या है, और इसके साथ जो है वो सेक्शन 20 डील करता है। सेक्शन 20 प्रोवाइड करता है, अ गार्डियन स्टैंड्स इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू हिज वार्ड्स। सो अब हम बात करते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो है ये क्या है। तो फिड्यूशरी जो है ये लैटिन वर्ड है फिड्यूशाय, जिससे ये डिराइव्ड है, और उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस, या जो आप कह सकते हैं ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। फिड्यूशरी रिलेशनशिप इज इन्वॉल्विंग अ ट्रस्ट, स्पेशली विद रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशरी। फिड्यूशरी रिलेशनशिप आपने सुना होगा कि जो ट्रस्टी है उसका रिलेशनशिप विद ट्रस्ट एंड बेनिफिशरी फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। इसी तरह कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा कि जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होते हैं विद द कंपनी, और बिल्कुल उसी तरह से गार्डियन ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत जो एक गार्डियन है उसका रिलेशनशिप विद वार्ड जो है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कॉन्फिडेंस बेस्ड है, और फिड्यूशरी रिलेशनशिप हमेशा वहां होता है जहां पे फिजिकल मैटर्स होते हैं, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और जहां पर आप हर चीज को जो है वो कोडिफाई नहीं कर सकते। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में एक ऐसा शख्स जो कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप की कैपेसिटी में है, एक ऐसा शख्स जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप के स्टेटस में होता है, उस शख्स को एक डिस्क्रिशन दे दिया जाता है कि वो अपने डिस्क्रिशन को यूज करते हुए उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, और बस उसने जो चीज जहन में रखनी है वो यही है कि जो कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस के तहत वो इस रिलेशनशिप में आया है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। सेक्शन 21 इसमें एक और जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है ऑन द गार्डियन, दैट ही कैन नॉट मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ हिज ऑफिस। गार्डियन इज नॉट अलाउड बाय लॉ टू मेक एनी प्रॉफिट्स आउट ऑफ द ऑफिस ऑफ ट्रस्ट गार्जियनशिप। अब वो इस ऑफिस को अपने गेन के लिए यूज नहीं कर सकता। ये ऑफिस एक ऐसा है, ऑफिस ऑफ गार्जियन ये एक ऐसा ऑफिस है जिसको होल्ड किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द वार्ड। सो इस बेसिक चीज को, बेसिक एलिमेंट को उसको जो है वो जहन में रखना पड़ेगा। एक छोटी सी बात जो मैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में आपको आपसे शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं आपसे नहीं कर पाई, याद नहीं रहती, वो है द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द वर्ड गार्जियन। दीवार, दीवार।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपको अक्सर मेरी बातें जो है वो रिपीट होती हुई सुनाई देती होंगी। उसका एक रीजन ये है कि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे किड्स हैं, तो जब वो मुझे इंटरप्ट करते हैं तो मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ, और उसके बाद जब मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू करती हूँ तो तब तक मेरे दिमाग से इसकी पहुंच पा होता है कि मैं क्या बात कर रही थी। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि जो है वो कंसिस्टेंसी या कॉन्टिन्यूएशन जो है उसमें थोड़ी सी इंटरप्शन फील हो। तो एनी हाउ, फिलहाल तो मुझे याद है कि मैं बात कर रही थी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड गार्जियन की। तो हमारे एक टीचर थे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छी थी, तो उन सर ने हमें बताया था कि ये वर्ड जो है इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो गार्जियन प्रोनाउंस करते हैं, यानी आपका जो डी है वो जी की आवाज देगा, गार्जियन प्रोनाउंस करते हैं। और उसके बाद मैंने भी ये नोटिस किया, कुछ इंग्लिश फिल्म्स में भी सुना, तो वहां पे मैंने भी नोटिस किया कि ये वर्ड गार्जियन प्रोनाउंस होता है। लेकिन गलतुलाम में हम लोग जो हमारी पाकिस्तानी स्टाइल इंग्लिश है तो उसमें हम इसको गार्डियन भी कह देते हैं, और आपने अक्सर लिखा हुआ भी होगा कि गार्डियन कोट लिखा होता है, गार्जियन कोट नहीं होता है। तो प्रोनाउंसिएशन में जो है ये वर्ड गार्जियन है, और लिखने में जो ये वर्ड है ये गार्डियन है। इसी तरह एक और मैं प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ठीक करना चाहूंगी, दैट इज अ प्रोपोजिशन। हम लोग अक्सर लॉ में उसको प्रेपोजिशन कह देते हैं। तो प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, जो कानून में हम पढ़ते हैं या हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछी जाती हैं वो प्रोपोजिशंस होती हैं। सो ये प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक ये चीजें ऑरली प्रोनाउंसिएशन इम्पोर्टेंट होती हैं, लिखे हुए पेपर में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारे इंटरव्यूज होते हैं तो डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है। इसलिए इसी तरह एक और लफ्ज प्रोनाउंसिएशन होती है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। तो आपने इन तीनों वर्ड्स को गार्जियन, प्रोपोजिशन एंड प्रोनाउंसिएशन बोलना है। चल वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो हम सेक्शन 20 पढ़ रहे थे कि कोई भी जो गार्जियन है वो अपने ऑफिस ऑफ गार्जियनशिप से किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता, क्योंकि वो फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है विद द इंटरेस्ट ऑफ वॉर। अब हम आते हैं कि जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है इसका स्कोप क्या है। स्कोप इसका बड़ा वाइडर है, ये सिर्फ तब तक नहीं है जब तक एक बंदा इन द कैपेसिटी ऑफ गार्जियन है, बल्कि इवन आफ्टर जब उसकी कैपेसिटी सीज टू एग्जिस्ट तो तब भी ये कंटिन्यू रहता है। सो वो सारी ट्रांजेक्शन जो उस शख्स के गार्जियन शिप खत्म होने के बाद हुई हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन में भी उसका अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो डाउट किया जा सकता है। तो इसीलिए कानून एक स्पेसिफिक टाइम देता है कि आफ्टर ही है सीज टू एग्जिस्ट हिज गार्जियन, तो उसके बाद कोई भी की गई ट्रांजेक्शन नेक्स्ट 2 ईयर्स तक जो है वो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो है वो एलिमेंट रहता है, क्योंकि वो इतना अरसा वार्ड का गार्जियन रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वार्ड के ऊपर जो है वो उसका इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप का जो स्कोप है वो सिर्फ तब तक नहीं है जब तक वो गार्जियन है, बल्कि उसके गार्जियन शिप के खत्म होने के बाद भी कुछ अरसे तक ये जो है ये रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं सेक्शन 21। ये थोड़ी सी इनकी फॉर्मेटिंग ऐसी हो गई है कि ये आपको उस तरह से नजर नहीं आ रहे थे, तो अब मैं फ्रेम के अंदर इन्हें ले आई हूँ। सेक्शन 21 इज कैपेसिटी ऑफ माइनर्स टू एक्ट एज गार्जियन। सो वेदर अ माइनर कैन बी अ गार्जियन, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, इन केस ही इज मैरिड एंड ही हैज अ वाइफ, तो ही कैन बी गार्जियन ऑफ हिज वाइफ और हिज चिल्ड्रन, बट अदरवाइज ही कैन नॉट बी अ गार्जियन, बिकॉज आपको पता है बींग गार्जियन उसने बहुत सारी जो है वो ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, उसने बहुत सारी चीजों में अपना जो है वो मेंटल कैपेबिलिटीज को, मेंटल फैकल्टीज को जो है वो यूटिलाइज करना है। तो बींग माइनर उसका मेच्योरिटी लेवल, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इस काबिल नहीं होता कि वो किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। सो माँ सिवाय अपनी वाइफ के या अपने बच्चों के ही कैन नॉट बी अ गार्जियन।
Section 22 is about remuneration of guardian. So whether a guardian can be paid for the services he is giving or for the duties he is performing. So if a guardian is appointed or declared by court, he shall be entitled for such allowances. जो भी court जो है वो decide करती है तो उन allowances के लिए वो entitled है. सेकेंडली आपको पता है कि बाज़ दफ़ा कलेक्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो गार्जियनशिप जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो इन दैट केस जो कलेक्टर की फीस है वो कलेक्टर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं मिलेगी, रादर दैट विल बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी. अब हम थोड़ी सी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं गार्जियन ऑफ पर्सन की. सो गार्जियन ऑफ पर्सन कौन है? इज अ पर्सन जिसके ही इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद द पर्सन ऑफ द वार्ड, लाइक उसकी पर्सनल केयर ऑफ द वार्ड के साथ उसको जो है वो गार्जियन बनाया गया है. सो ही हैज अ ड्यूटी और ही हैज लाइबिलिटी और ही इज चार्ज विद द कस्टडी ऑफ द वार्ड एंड मस्ट लुक टू हिज सपोर्ट health and education and other such matters. So उस बच्चे की उस वार्ड की हर किस्म की जो भी सपोर्ट है वो फाइनेंशियल है, वो मॉरल है, वो रिलीजियस है, वो एजुकेशनल है और अदरवाइज उसके जितने भी हेल्थ है और उसके जो एजुकेशन है और उसके अलावा जितने भी अदर मैटर्स हैं, उसकी ग्रूमिंग है, उसकी डिवेलपमेंट है, उसकी एक्टिविटीज हैं, तो उन सारों की जो जिम्मेदारी है वो गार्जियन ऑफ पर्सन पर है. तो सिर्फ उसका काम ये नहीं है कि बस एक बच्चा जिंदा रह रहा है तो उसको खाना मिलता रहे और वो एक शेल्टर में हो, बल्कि उसका काम क्या है, उस बच्चे की ग्रूमिंग में, ग्रोथ में, उसको जितनी किस्म की उसकी सपोर्ट की जरूरत है वो सारी की सारी सपोर्ट प्रोवाइड करना गार्जियन ऑफ पर्सन का काम है. सेक्शन 25 हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज वेयर अ वार्ड लीव्स हिमसेल्फ और ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द गार्जियन. सो जहां पे वार्ड खुद से चला जाए या उसको कोई और शख्स ले जाए, गार्जियन जो प्रॉपरली अपॉइंटेड गार्जियन है उसकी कस्टडी से, और कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट के वेलफेयर ऑफ माइनर यही है कि गार्जियन को गार्जियन के हवाले वापस कर दिया जाए उसको वार्ड को, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो उसकी कस्टडी वापस रिटर्न करने के लिए टू द गार्जियन जो भी नेसेसरी एक्ट्स हैं, लाइक उसकी प्रोटेक्शन के ऑर्डर करने हैं, वारंट्स जारी करने हैं, तो वो सारा कर सकती है. इसको हम पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आप इसको उस लेक्चर को अगर आपने सुना है तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, वरना आप दोबारा इसको सुन लीजिएगा, वो लेक्चर को सुन लीजिएगा तो आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा. अब सेक्शन 26 की हम बात कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम ज्यूरिस्डिक्शन. सो नो गार्जियन इज ऑथराइज्ड कि वो वार्ड को उस ज्यूरिस्डिक्शन से निकाले, उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन से निकाले जिस कोर्ट ने उसको गार्जियन मुकर्रर किया है, बिकॉज उस कोर्ट के जिम्मे कुछ जो है वो इंस्पेक्शन या सुपरविजन रिलेटेड काम है, तो वो तभी परफॉर्म हो सकते हैं जब गार्जियन उसी जो है वो ज्यूरिस्डिक्शन में रहेगा या वार्ड एटलीस्ट उसी जुरिस्डिक्शन में रहेगा. तो इन दैट केस जो है वो अगर ही रिमूव तो उसके खिलाफ जो है वो इसके ऊपर एक्शन हो सकता है बाय द कोर्ट. सो ही इज नॉट ऑथराइज्ड कि वो गार्जियन को वार्ड को जो है वो जुरिस्डिक्शन से रिमूव करे कोर्ट की, ताकि किसी किस्म का सुपरविजन गैप जो है वो नहीं आना चाहिए. स्पेसिफिकली हम बात करते हैं गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी की, और सबसे पहले इसकी ड्यूटीज की बात कर लेते हैं. अ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ वार्ड इज बाउंड टू डील देयर विद एज केयरफुली एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डील विद हिज ओन प्रॉपर्टी. सो एक गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी से वो ही केयर लेवल एक्सपेक्ट किया जाता है जो कोई भी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का शख्स, एक आम अकल फहम वाला शख्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की दफा जितनी केयर करता है उतनी ही केयर जो है वो रिक्वायर्ड है एक गार्जियन की तरफ से भी.
Secondly, a guardian may do all acts which are reasonable and proper for the realization, protection or benefit of the property. So, guardian ko ek discretion de diya gaya, ek power de di gayi, ek liberty de di gayi, ki he can do every act jisse jo ki necessary hai property ki protection ke liye ya property mein kisi kisam ki advantage ke liye, benefit ke liye ya uske realization, adjustment ke liye jo hai wo ضروری ہے بیکاز جنرلی جو گارڈین آف پراپرٹی ہے ہی ایکٹس آن دی پرمیشن آفٹر اوبٹیننگ دی پرمیشن فرام دی کورٹ بٹ دیر آر سم ٹائم سڈن ایکٹس آر ریکوائرڈ کہ جہاں پر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کورٹ کی پرمیشن لیں بیکاز کورٹ کی پرمیشن از ناٹ دیٹ سمپل آپ کو کورٹ میں اپلیکیشن دینی ہے پھر کورٹ نے اس کو اسکروٹنائز کرنا ہے آپ کو سننا ہے پھر اپنی فائنڈنگس دینی ہے اس کے بعد ایک آرڈر آنا ہے سو اس لینتھی پروسیجر کا اگر ٹائم نہیں ہے تو اس صورت میں گارجین کو ایک جنرل سا اس کو ایک چیک لسٹ دے دی گئی کہ ہر وہ نیسیسری ایکٹ جو کہ پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے ریئلائزیشن اور بینیفٹ آف دی پراپرٹی کے لیے ضروری ہے ہی کین پرفارم دیٹ سیکشن 28 جو ہے یہ پاور آف ٹیسٹامنٹری گارڈین ہے اس کو میں ایک ہی پیج پر لے آتی ہوں تاکہ آپ کو ویژلی دیکھنے میں آسانی ہو ٹیسٹامنٹری گارڈین پہلے تو میں بتا دوں کون ہوتا ہے ٹیسٹامنٹری گارڈین وہ ہوتا ہے who is not appointed by court he might be declared by court but he is not appointed by court he is appointed by will or some other instrument اور ڈکلریشن میں کیا ہوگا کہ وہ بعد میں on the basis of that will اور on the basis of that instrument court سے اس نے ڈکلریشن لے لیا ہے سو اگر ایک گارڈین ہے who is appointed by will or other instrument his power to mortgage اور چارج اور ٹرانسفر بائی سیل گفٹ ایکسچینج آپ کو پتہ ہے یہ سارے موڈز ہیں کسی بھی پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے جن کو ٹی پی اے میں بہت ڈیٹیل میں الیبوریٹ کیا گیا ہے تو اگر کوئی بھی ایسا جو ہے وہ گارڈین ہے تو وہ اس پراپرٹی کو جو بھی ہے اس کو ٹرانسفر کرے گا سبجیکٹ ٹو دوز کنڈیشنز وچ آر امپوزڈ بائی دی انسٹرومنٹ اور لائک وائز اگر کوئی ایسا گارجین ہے جس کو کورٹ نے اپوائنٹ کیا ہے تو وہ پھر اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف یا ٹرانسفر کرے گا انڈر دی انسٹرکشن آف کورٹ سو جو بھی سورس ہے جہاں سے آپ نے یہ پاور لی جہاں سے آپ نے یہ کریکٹر آف گارڈین جو ہے وہ ازیوم کیا اسی سورس سے جو ہے وہ جو آپ کو ڈائریکشنز ملی انسٹرکشنز ملی گائیڈ لائنز ملی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ فنکشنز کو ڈسچارج کیا جائے گا Section 29 is limitation of powers of guardian of property appointed or declared by court. میں آپ کو بتا چکی ہوں جیسے انسٹرومنٹ سے اور ول سے اپوائنٹڈ گارڈین ول سے اور انسٹرومنٹ سے گائیڈ لائن لیتا ہے بالکل اسی طرح وہ گارڈین جو کہ کورٹ نے اپوائنٹ کیا ہے تو وہ کورٹ سے گائیڈ لائن لے گا سو اگر کسی بھی پراپرٹی آف وارڈ کو سیل کرنا ہے گفٹ کرنا ہے ایکسچینج کرنا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ کورٹ کی پرمیشن لینا جو ہے وہ ضروری ہے اینڈ ایون اگر جو ہے وہ کوئی ایسی لیز کرنی ہے جو کہ فار اے ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 5 ایئرز ہے اور جو بھی ایک سال سے زیادہ کی ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ اس کی پرمیشن لی جائے گی ان کیس مائنر جو ہے وہ سیز ٹو بی اے مائنر آفٹر دیٹ لائک اگر آپ دیکھیں ایک آپ لیز کرنے جا رہے ہیں 2020 میں اور اس وقت مائنر کی جو ایج ہے وہ ہے 17 سال 20 سال کیونکہ گارڈین شپ جب ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے مائنر 21 سال کا ہو کے اڈلٹ کہلاتا ہے میجر کہلاتا ہے تو مائنر کی ایج ہے 20 سال سو نیکسٹ ایئر ہی ول بی 21 لیکن لیز ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی کنٹینیو کرے اس کا 1 ایئر جو ہے وہ کنٹینیو کرے تو ایسی سچویشن میں کورٹ کی پرمیشن ضروری ہے فار دی پرپزز آف پروٹیکشن آف رائٹس آف لیسی سو ایسا نہ ہو کہ ایک گارڈین نے اس کو جو ہے لیز اگریمنٹ کیا ہے اور جیسے ہی مائنر جو ہے وہ میجر ہوا تو اس نے فوراً سے اس کو جو ہے وہ لیز اگریمنٹ کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا تو اس چیز کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے گا سیکشن 30 از اباؤٹ ایفیکٹ آف کہ اگر سیکشن 28 کو 29 کو جو ہے وہ کمپلائی نہیں کیا گیا تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا تو اس صورت میں جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ ٹرانزیکشن وائڈ کہلائے گی
और किसके पास ऑप्शन होगा उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने का, एनी पर्सन हु इज अफेक्टेड देयर बाय. सो लाइक वार्ड इज अफेक्टेड देयर बाय, तो वार्ड के जो है वो सवाबदीद पे वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी. सो आफ्टर बिकमिंग मेजर जो है वो उस ट्रांजेक्शन को वो चैलेंज कर सकता है. Section 31. Practice with respect to permitting transfers under Section 29. अब कोर्ट को गाइडलाइंस दी जा रही है कि कोर्ट जब भी परमिशन देगी किसी भी ऐसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की विच बिलोंग्स टू अ वार्ड, तो क्या चीजें जहन में रखी जाएंगी. फर्स्टली केस ऑफ नेसेसिटी कि वेदर ट्रांसफर इज नेसेसरी और नॉट, एंड सेकेंडली वेदर इट इज बेनिफिशियल और नॉट. सो दोनों क्राइटेरिया देखे जाएंगे, क्या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना जरूरी है, एंड नंबर टू क्या उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होने से वार्ड के लिए ये बेनिफिट होगा या नहीं होगा. तो ये दोनों टचस्टोन्स हैं जिनके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगी कि परमिशन देनी है गार्डियन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की या नहीं. और अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि परमिशन देनी है तो देन कोर्ट जो है इट विल डिसाइड द नेसेसिटी और एडवांटेज, दोनों में से जो फैक्ट मौजूद है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा और प्रॉपरली प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया जाएगा जिस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की परमिशन दी जा रही है. अगर किसी किस्म की कंडीशन के तहत परमिशन दी जा रही है तो उन तमाम शराइत को लिखा जाएगा और ये सब कुछ जो है इट विल बी रिकॉर्डेड dated and signed by the judge. अब इसमें से कुछ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस कोर्ट जो है वो इम्पोज कर सकती है. लाइक इन केस ऑफ सेल जो हाईएस्ट बिडर है उसको प्रेफर किया जाएगा बाय पब्लिक ऑक्शन. सो पब्लिक ऑक्शन एक ऐसी ऑक्शन है जहां पर पब्लिक एट लार्ज उसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकती है. इसके अलावा कोर्ट जो है वो रिजर्व प्राइस भी फिक्स कर सकती है जो प्रॉपर्टी है कि ये कम अज कम इतनी कीमत पे बेची जाएगी. देन कोर्ट जो है वो देख सकती है दैट अ लीज शैल नॉट बी मेड इन कंसीडरेशन ऑफ प्रीमियम और शैल बी मेड फॉर सच टर्म ऑफ. लीज जो है इसको प्रीमियम के वजह से जो है वो नहीं किया जाएगा. तो प्रीमियम में जनरली बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन आ जाता है जो लेसर है उसके पार्ट पर, तो इससे रोका जा सकता है. इसके अलावा कोर्ट कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है कि मैक्सिमम इतनी टर्म की लीज जो है वो की जा सकती है. उसके अलावा कोर्ट जो है वो गाइडलाइंस या कंडीशनलाइज कर सकती है कि जितनी भी पेमेंट होगी इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के बदले में, तो उस पेमेंट को आप क्या करेंगे, उसका पार्ट आप इन्वेस्ट करेंगे, पार्ट आप यूज करेंगे, या जिस तरीके से भी उसको डिस्पर्स करना है उसकी गाइडलाइंस जो है वो दी जाएंगी. और ये जितनी भी परमिशंस कोर्ट देगी उससे पहले जरूरी है कि कोर्ट माइनर के वार्ड के जो भी नियर रिलेटिव्स हैं या जिनका कोई इंटरेस्ट हो सकता है उनको नोटिफाई करे और उनको सुनने का मौका दे, और उसके बाद जब उनका वर्शन आ जाए तो उसके बाद जो है इस चीज को कोर्ट डिसाइड करेगी. सेक्शन 32 पर देखते हैं. सेक्शन 32 इज अबाउट वेरिएशंस ऑफ पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट. सो वेरिएशन हो सकती है पावर्स में जो है गार्डियन की. कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ऑर्डर डिफाइन रिस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड हिज पावर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड इन सच मैनर एंड टू सच एक्सटेंड एज इट मे कंसीडर टू बी एडवांटेज ऑफ द वार्ड. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज को कोर्ट पहले से ही फोरसी कर लेगी, और जब कोर्ट ने एक चीज ऑर्डर कर दी है तो उसके बाद उसमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती. बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है वेलफेयर ऑफ माइनर, बेसिक पर्पस है बेनिफिट ऑफ माइनर. सो कीपिंग इन व्यू बेसिक पर्पस जो है वो कोर्ट टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस कर सकती है और इसको जो है वो टर्म्स को वेरीफाई किया जा सकता है. सेक्शन
सेक्शन 33 जो है दैट इज अबाउट राइट ऑफ गार्जियन, जो अपॉइंट हुआ है कि वो किस तरीके से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। तो इसमें सबसे जरूरी बात है कि अगर कहीं पर भी गार्जियन को कोई कंफ्यूजन है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो इन दैट केस वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि कोर्ट उसको एडवाइजरी प्रोवाइड कर, कोर्ट से वो एडवाइस ही कर सकता है, कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है और कोर्ट उसको प्रॉपरली जो है वो ओपिनियन देगी जिसके ऊपर वो एक्ट कर सकता है। सेक्शन 34 इज अबाउट कि कोर्ट जो है वो श्योरिटी बॉन्ड रिक्वायर कर सकती है फ्रॉम द गार्जियन अगर उसको कोई हैंड ओवर की जा रही है वार्ड की प्रॉपर्टी फॉर द पर्पसेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि कल को किसी किस्म की एम्बेजलमेंट ना हो तो श्योरिटी बॉन्ड दाखिल करने का कहा जा सकता है। अच्छा, श्योरिटी बॉन्ड किस तरह दाखिल करना है, कौन सा फॉर्म है, कौन सी तफसीलात हैं, वो सारी की सारी जो मेरा हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने बताई है। वॉल्यूम 2 हाईकोर्ट रूल्स का है, चैप्टर 2 है, तो उसको आप जो है वो दोबारा सुन लीजिएगा। सेक्शन 34A इज अबाउट कि अगर आप जो भी माइनर की वार्ड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट्स दाखिल किए गए हैं, बैलेंस शीट्स दाखिल की गई हैं, गोशवारे दाखिल किए गए हैं, तो उनको ऑडिट करवाया जा सकता है बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, टेक्निकल टेक्नोक्रेट ऑडिटर, जिसको नॉलेज है ऑडिट करने की, तो उसमें जो भी उस ऑडिटर की फीस है वो कोर्ट मुकर्रर कर सकती है। सेक्शन 35 और 36 में इकट्ठे देख रही हूँ ताकि वीडियो को लंबा ना हो जाए। तो सेक्शन 35 है कि गार्जियन के खिलाफ अगर सूट फाइल करनी है तो उस सूरत में क्या है, अब दो सूरतें हैं। एक सूरत है कि गार्जियन ने एक छोटी बॉन्ड दाखिल किया हुआ है और आप उस छोटी बॉन्ड को, तो अगर तो उसने श्योरिटी बॉन्ड दाखिल किया और उसको फोरफिट करना है तो उस सूरत में उसके खिलाफ सूट जो है वो जरूरी नहीं कि कोर्ट उसमें पार्टी बने, उसमें किसी भी शख्स को ऑथराइज किया जा सकता है जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर सूट फाइल कर सकता है। और इसी तरह एक दूसरी सिचुएशन है जहां पे श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया गया था, तो उसमें भी कोर्ट किसी भी ऐसे शख्स को परमिशन दे सकती है जो नेक्स्ट किन हो सकता है माइनर का, नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है माइनर का, वार्ड का, या इंटरेस्टेड हो सकता है, उसका कोई इंटरेस्ट हो सकता है वार्ड के साथ, तो उसको दिया जा सकती है परमिशन और वो जो है वो गार्जियन को सू कर सकता है। सेक्शन 37 इज अबाउट जनरल लाइबिलिटी ऑफ द गार्डियन। तो गार्डियन की जनरल जो लाइबिलिटी है वो ऐसी ही है एज ऑफ ट्रस्टी। तो जिस तरह से ट्रस्टी जो है वो उसका काम है कि वो ट्रस्ट को जो है फिड्यूशरी रिलेशनशिप में रहते हुए फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी उसको एग्जीक्यूट करे, बिल्कुल उसी तरह गार्डियन का काम भी है कि वो वार्ड के बेनिफिट के लिए उसको एग्जीक्यूट करे। और लाइबिलिटी जो गार्डियन की है वो खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि माइनर वार्ड के पास जो है वो ये राइट रहता है वार्ड के पास या उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास कि जो भी रेमेडीज कानून में अलाउ है वो उन रेमेडीज को जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन को देखते हैं। लास्ट सेक्शन इज अबाउट राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग ज्वाइंट गार्जियन। सो जहां पर एक से ज्यादा गार्जियन है तो एक गार्जियन की डेथ की सूरत में बाकी गार्जियन का जो गार्जियनशिप है वो अब बरकरार रहेगा, उसको किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर हमारा था पावर्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ गार्जियन के ऊपर, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट हम पढ़ रहे थे। और आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर्स जो है वो फौरन मिल जाएं। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर दें, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, कुछ कमेंट्स रिप्लाई करने का वक्त नहीं मिलता, तो उस सूरत में भी कमेंट पढ़ा जरूर होता है तो मैं नोट कर रही हूँ आप जो जो उसमें करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, जो जो आप टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह टर्न बाय टर्न हम उनको टेकअप करेंगे। तो एक सब्जेक्ट को कम्प्लीट करना पहले जरूरी है, वरना अगर हम एक सब्जेक्ट टॉपिक यहाँ से पकड़ लें, वहां से पकड़ लें, तो फिर उससे वो कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं रहती। तो आप कमेंट कर दिया करें, आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाता है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि इल्म जो है उसको फैलाना तो वैसे ही सदका जारिया है।
तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, और आपने जो है वो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो वो मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।